साथियों, आजादी के इतने दशक बाद आज देश में ऐसी सरकार आई है जो किसान का दुख दर्द समझती है, किसान की चिंता समझती है। इसलिए बीते 9 वर्षों में भारत सरकार द्वारा लगातार किसान हित में फैसले लिए गए हैं। हमने बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। मुझे याद है, यहां राजस्थान के सूरतगढ़ से ही हमने 2015 में सॉयल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की थी। इस योजना के माध्यम से हमने देश के किसानों को करोड़ों सॉयल हेल्थ कार्ड दिए। इन कार्डों की वजह से आज किसानों को मिट्टी की सेहत के बारे में पता चल रहा है, वो उसी हिसाब से खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज फिर राजस्थान की धरती से किसानों के लिए एक और बड़ी योजना शुरू की जा रही है। आज देश भर में 1.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। ये सभी केंद्र सच्चे अर्थों में किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये एक तरह से किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर है। आप किसान भाई बहनों को अक्सर खेती से जुड़े सामानों के लिए, दूसरी जरूरतों के लिए अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है। अब आपको ऐसी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को वहां से बीज भी मिलेगा और खाद भी मिलेगा। इसके अलावा खेती से जुड़े औजारों और दूसरी मशीनें भी इस केंद्र पर मिला करेगी। ये सेंटर खेती से जुड़ी हर आधुनिक जानकारी किसानों को देंगे। मैंने देखा है कि मेरे किसान भाई बहनों को कई बार योजना की सही जानकारी न होने की वजह से भी मेरे किसान भाइयों बहनों को बहुत नुकसान होता है। ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र अब किसानों को हर योजना की समय पर जानकारी का भी जरिया बनेंगे। और साथियों, ये तो अभी शुरुआत है और मैं मेरे किसान भाइयों से आग्रह करता हूं, आप भी एक आदत डालिए। भले आपको किसानी से लेने कोई चीज खरीदनी नहीं है, लेकिन अगर आप बाजार में गए हैं, उस नगर में अगर किसान समृद्धि केंद्र है, कुछ भी नहीं खरीदना है तो भी वहां चक्कर काटिए, क्या चल रहा है जरा देखिए। आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें सब्जी लेने जाती हैं, लेकिन अगर कहीं साड़ी की दुकान दिखा दी, नहीं भी खरीदना होगा लेकिन चक्कर काटेगी, नया क्या आया है, वैरायटी कौन सी आई है, जरूर देखेगी। मेरे किसान भाई बहन भी ऐसे थोड़ा समय निकाल के आदत डाले कि जब भी गए हैं नगर में और वहां किसान समृद्धि केंद्र है, जरूर चक्कर काटेंगे, हर वैरायटी पर नजर डालेंगे, क्या नया आया है क्या नहीं देखते रहेंगे। आप देखिए, बहुत बड़ा लाभ होगा। साथियों, इस साल के अंत तक देश में 1.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और बनाए जाएंगे।
पौने 2 लाख